राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ चुकी है और सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की हावो हवा जो बनी हुई थी राजस्थान प्रदेश में, उसको 3 तारीख यानी कल जो मतगणना हुई उसने चकनाचूर कर दिया। आश्चर्यजनक जो नतीजे सामने आए उसको लेकर बड़े बड़े राजनीतिक फैल हो गए। इसी बीच बीजेपी के कुछ ही नहीं, या यूं कहें कि पूरा मजमा जो था या पूरा कबीला ही था बीजेपी का, वो लगभग जीत की ओर आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल लाइन विधानसभा से जीते हुए प्रत्याशी गोपाल शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ अब राजनीति में आ गए हैं। हम उनसे कुछ सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या विशेष मुद्दे रहेंगे उनके विकास को लेकर, जनता से क्या अपेक्षा वो करते थे, जनता उनसे क्या चाहती है और किस प्रकार राजनीतिक कैरियर को देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नगरी मीडिया से बधाई हो आपको। आभार आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बहुत नाम कमाया, एक न्यूज़पेपर के आप संस्था का फाउंडर सीईओ रहे हैं, और अचानक राजनीति में आने का क्या मकसद? देखिए, मैं गरीब परिवार से जुड़ा हुआ हूँ प्रारंभ से, और इसलिए मन के अंदर ये चाह रही है कि कम से कम हमारे पूर्वजों ने अपने लिए जो कल्पना की होगी उसको सार्थक करूँ। उसी को लेकर के पत्रकारिता में आया, उसी को लेकर के राजनीति में आया। तो राजनीति के जरिए कुछ अच्छा करने की मन में चाह है, उसमें जीवन रहे या न रहे। अच्छा, क्या अच्छा, कोई विशेष कुछ इस वो संज्ञा दें? अच्छे का मतलब ये है कि जहाँ गरीब पीड़ित दुखी व्यक्ति को अपमान महसूस नहीं करना पड़े, बेरोजगार को ये लगे कि रोजगार की हमारे लिए व्यवस्था है, गरीब को ये लगे कि उसकी गरीबी के अंत का भी कोई साधन है, जो अपने राजस्थान के अंदर खेती है वहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ बिजली नहीं है, तो उसमें मैं तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में सोच सकता हूँ, लेकिन योगदान भी कर सकता हूँ। तो योगदान करने का मतलब ये है कि अच्छे कार्य हो और जनता की समृद्धि बढ़े, जनता की शांति बढ़े, जनता के अंदर एक आत्मीयता का भाव पैदा हो, इसके लिए काम करेंगे। विधानसभा सिविल लाइन से आप जीत गए हैं 28,329 वोटों से। सामने आपके विरोध में थे, विपक्ष में जो थे वो प्रताप सिंह खाचरियावास, जो सिटिंग मंत्री रहे हैं वो थे। कितना आपको लगता है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा पब्लिक को समझाने में? नहीं, पब्लिक को समझाना नहीं पड़ा, हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडागर्दी, उनकी धमकियां, अराजकता, महिलाओं का पीछा करना, उनके वीडियो बनाना, धमकियां देना, उठवा लेने की बात करना, उठाने के प्रयत्न करना, यहाँ तक कि लोगों को इस बात को कहना कि नहीं, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को वोट देने की फ़ोटो भेजो, इस तरह की बात जब की जा रही थी तो जनता ने ये सोचा कि उसको क्या करना चाहिए। उसने सबक सिखा दिया। क्या विकास के मुद्दों को लेकर आप आगे राजनीति करेंगे? 5 साल आपके पास हैं, 5 साल में सरकारें चेंज होती हैं, लेकिन अभी जो 5 साल शुरुआत हुई है, क्या विकास के मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, विकास के मुद्दे का मतलब, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि हर चुनाव के अंदर जनता भिखारी की तरह से खड़ी हो और सड़क, बिजली, पानी इनकी मांग करती रहे। स्थायी समाधान होना चाहिए, मजबूत समाधान होना चाहिए, आधारभूत ढांचा बनना चाहिए, इसके दिशा में काम करेंगे। जो परसेंटेज लेकर के और दलाली लेकर के जो लोग भ्रष्टाचार के तरीके से राजस्थान को बर्बाद कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए मेरे से जो प्रयत्न हो सकेगा वो करूँगा। कांग्रेस राज में महिला शिक्षा को लेकर, महिला अत्याचार को लेकर, सुरक्षा को लेकर पेपर लीक को मुद्दा बना, कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम आया है बीजेपी के लिए? निश्चित ही आया है। जनता असंतुष्ट थी, राज बदलने को उतारू थी, इसीलिए तो उन्होंने मतदान किया है इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार के खिलाफ एक एक बटन जो दबा है उसके अंदर, दिल के अंदर आग भरी हुई है। एक सवाल आपसे ये भी था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे वो लगातार दावे करते नजर आ रहे थे कि सरकार रिपीट होगी, बीजेपी बोल रही थी रिपीट होगी, महिला अत्याचार को लेकर एक मुद्दा बनाया गया बीजेपी द्वारा, महिला सुरक्षा को लेकर
लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि भाई हमने कड़े कानून बनाए हैं, सभी तरह से जो लाइन ऑर्डर है राजस्थान का वो संभाला हुआ है, क्या मानते हैं? देखिए, प्रताप सिंह जी की तरह से, आदरणीय प्रताप सिंह जी की तरह से, माननीय प्रताप सिंह जी की तरह से, हो सकता है माननीय अशोक गहलोत जी भी, मेरे को नहीं जानते हूँ, लेकिन आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा मही प्रता, कि जो राजा संतुष्ट हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। उन्होंने जो जो संतुष्टि की बात की वो नष्ट होते चले गए। पत्रकारिता की जगह से जुड़े हुए हैं आप और अभी राजनीति में भी विधायक बन चुके हैं, तो दोनों को कैसे आप एक साथ सर्वाइवल करेंगे? एक साथ तो क्या, अब तो राजनीति करेंगे, राजनीति का मतलब राष्ट्रनीति करेंगे, अच्छी पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, और मन से ये निकाल दूंगा कि मैं किसी समाचार पत्र से जुड़ा हुआ रहा हूँ, इरादा यही है। एक सवाल और भी साहब से कि अभी बीजेपी में मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर कई चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको किसे मिलना चाहिए? देखिए, इसके लिए क्या कहें, कोई एक अगर चुनाव जीता हुआ व्यक्ति किसी का नाम भी ले दे तो ये उसकी गलती है। जब तक कोई बैठक नहीं हुई, आपस के अंदर विचार विमर्श नहीं हुआ, किसी ने कोई नाम आगे नहीं बढ़ाए, तो उसके लिए किससे हम पूछें, तो वो लगेगा कि आप तो मतलब कि इतने अहंकारवादी हैं कि पहले से ही नेता को साथ लेकर के आए हैं। तो पार्टी के जो नेता हैं एक ही है। सुना राज्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और अभी विपक्ष में जो विपक्ष है वो लगातार दावे कर रहा था कि फेस वसुंधरा राजे नहीं है, जबकि राजस्थान में फेस वसुंधरा राजे के नाम से ही बीजेपी थी। आज की डेट में, आज की तारीख में बीजेपी ने तर्कण कर रखा है, क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। यह जो संगठन है और यह जो विचारधारा है ये व्यक्तिवादी नहीं है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए उनका सम्मान है और जनता भी सम्मान करती है, कार्यकर्ता भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये व्यक्तिवाद का सम्मान नहीं है। विश्व में भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, सूर्य का पहली बार इस तरह अध्ययन हो रहा है, चंद्रयान 3 का जब अवतरण हुआ तो हम लोगों ने देखा कि नीचे भी तिरंगा है और ऊपर भी तिरंगा है, तो सैनिकों के बीच में जब वो जाकर के खड़े होते हैं त्योहारों को, तो सैनिकों को लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे बीच में खड़ा है। टनल के अंदर लोग फंसते हैं, कहीं इधर उधर देशों के अंदर फंसते हैं, तो उनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो जब ऐसे नेता हमारे बीच के अंदर मौजूद हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो ये माना जाए कि वसुंधरा राजे इस बार सीएम फेस नहीं होंगी? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सीएम फेस भी हो सकती है, लेकिन उसका फैसला तो विधायक दल और नेता मिलकर करेंगे। मतलब किसी भी चीज की एक प्रक्रिया है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो राज्यपाल से शपथ लेनी पड़ेगी। अब कोई कहे मैं तो इस राज्यपाल से नाराज हूँ तो भी शपथ तो लेनी पड़ेगी। तो वसुंधरा जी भी क्यों नहीं हो सकती, हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए विधायक दल और पार्टी के नेताओं के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जनता के लिए, सिविल लाइन की जनता आपको वोट के देकर विधायक की दिलाई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि जनता के लिए सब कुछ समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो ये थे हमारे साथ सिविल लाइन्स विधायक, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं गोपाल जी शर्मा, इनसे हमने दो बातें की और जाना कि किन के विकास मुद्दों पे वो कार्य करेंगे अब और क्या विकास के कार्य होने बाकी हैं जिन पर वो फोकस करेंगे। देखते हैं कि कहाँ तक ये अपने वादों में सफल हो पाते हैं, कहाँ तक जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।